Amitaya. Today I'm coming with a special recipe, and it's a very quick recipe also, and it's called Bengali Alu Dom. तो आप इसको तो यूटिलाइज कर सकते हो बहुत कुछ चीज़ों से, लाइक फॉर किड्स टिफिन बॉक्स, फॉर योर हस्बैंड एंड योर सेल्फ ओनली दैट लंच, घर में भी दोपहर को आप लंच में ले सकते हो और डिनर में भी ले सकते हो, और यू कैन हैव इट विथ प्लेन राइस, रोटी, पराठा, लूची, मीन्स पूरी, ऑल दिस थिंग्स. सो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है कि थोड़ा दिखाऊंगी मेरे किचन को, कुछ भी नहीं है अभी, एकदम बिल्कुल मैं न्यू हूँ यहाँ पे. सो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको कैसे बनाना है बंगाली स्टाइल आलू दम. मैंने कढ़ाई बिठा दिया है एंड इसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, बहुत ही एकदम थोड़ा सा, लाइक दिस थिंग्स, ओके, लाइक वन बिग टेबल स्पून. सो मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद मैं ये आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, लाइक बॉइल पोटैटो, एंड इसका जो कवर है ये मैंने ओपन करके रखा है, देन स्लाइस टोमेटो, देन ग्रीन पीस, ये फ्रोजन है, अगर आपको फ्रेश मिल जाए विंटर में तो बहुत ही अच्छा है, देन नेक्स्ट इज ग्रीन चिली एंड टर्मरिक एंड सॉल्ट. सो सबसे पहले मैंने तेल दे दिया, उसके अंदर मैं टोमेटो दे दूंगी, टोमेटो हो रहा है बिल्कुल थोड़ा सा देना है, ज्यादा नहीं. एज सुन एज पॉसिबल मैं पोटैटो को दे दूंगी, ये ना वेज है, आप ना इसको कभी भी खा सकते हो, क्योंकि कोई कोई लोग है कि नॉन वेज अच्छा नहीं लगता उनको, वेजिटेरियन अच्छा लगता है, तो आप वेज में ये सब खा सकते हो. अभी मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, बहुत ही कम करना है सॉल्ट, थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा सॉल्ट मैंने लिया है, ये मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट को, थोड़ा सा स्टीम करना है, उसके बाद मैं ये ग्रीन पी डाल दूंगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर मैं डालूंगी, इसको स्टीम करते रहना है. ये ना सुबह मतलब किड्स के लिए टिफिन में तो बहुत ही अच्छा जाता है. अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी बोला इसको बनाने में जस्ट 5 to 10 मिनट्स लगता है, अगर आप सुबह टिफिन में अपने किड्स को दे देंगे, जो जिन लोगों को स्कूल मॉर्निंग में है उन लोगों को तो मतलब 6:30 to 7 o'clock रेडी हो जाना पड़ता है, उससे पहले टिफिन भी रेडी करना पड़ता है आप लोगों को, सो इट्स वेरी टफ. सो पहले दिन रात को अगर आप आलू को बॉईल करके रखेंगे सो इट्स वेरी इजी फॉर यू, देन यू पुट सम वाटर लिटिल बिट, उसके बाद इसको हिलाते रहिए थोड़ा सा, देखिए कितना अच्छा देखने में है, कलरफुल. और ये ना आप जो एक बड़ा सा पराठा बनाइए, पराठा के अंदर ये आलू ये सब डाल के थोड़ा रोल करके भी दे सकते हो, और मतलब ऐसे रोटी के साथ या पराठे के साथ या पूरी के साथ भी आप दे सकते हो, एंड जो बंगालीज हैं उन लोगों को मैं बोलूंगी कि आप लोग लूची के साथ भी दे सकते हो, एंड प्लेन राइस के साथ तो ये ऑसम है. अच्छा, ये ग्रीन चिली जो मैं ऐड कर रही हूँ इज नॉट फॉर किड्स, अगर आप लोग किड्स को टिफिन में देना है तो डोंट पुट इट, एंड अगर आप लोगों को खाना है तो थोड़ा सा ग्रीन चिली भी ऐड कर लीजिए. ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाइए. अच्छा, पोटैटो जो है मैंने 4 whistle लगाई है प्रेशर कुकर में, मीडियम साइज पोटैटो लिया है और उसको जस्ट मीडियम से हाफ किया है लाइक दिस ओनली, एंड
एंड वन मीडियम साइज टोमेटो मैंने लिया है। आप मुझे देख नहीं पा रहे हो इसलिए आई एम सॉरी। सो मैंने थोड़ा सा कैमरा ऑन ऊपर किया है देखने के लिए। अगर नहीं देख पाओगे तो आप सोचोगे कौन दम आलू बना रहा है, मुझे नहीं पता। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके आपको दिखा दिया। एंड नाउ अभी मैं कैमरा को फिक्स कर रही हूँ। इसको थोड़ा होने दीजिए। नेक्स्ट मैंने ना गलती से मेरे कुर्ती को मैंने चेयर में रख दिया था इसलिए सॉरी। देखिए मैंने उसको हटा दिया है ना। इट्स लुकिंग गुड ना। ओके गाइस आई नो यू आर ऑल माय वेरी लवली फ्रेंड्स सो आई डोंट हैव एनी टेंशन। सो ठीक है, पहले मैं सोची थी हाउ कैन आई शो हाउ टू कुक एंड ऑल दैट। सो अभी तो थोड़ा थोड़ा कर पा रही हूँ एंड आई एम जस्ट स्टूडेंट ओनली फॉर यूट्यूब। अच्छा अभी थोड़ा सा मैं वाटर ऐड करूंगी। ठीक है अब इसको थोड़ा सा होने दे। अभी थोड़ा सा ये हो जाए। तब तक मैं आपके साथ थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ। ठीक है सो मुझे ना अभी कहना है कि देखिए अभी तो मॉनसून सीजन चल रहा है। नाउ यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट योर होम एंड अबाउट योर सराउंडिंग। सो मैंने तो पहले कुछ दो तीन चार वीडियो में मैंने बोला है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड योर चाइल्ड एंड आप जो लोग घर में रहते हो फैमिली मेंबर को कैसे आप टेक केयर करोगे इन मॉनसून सीजन एंड हाउ टू टेक केयर योर पेट ऑल्सो। सो आज मैं आई एम गोइंग टू से दैट आप मॉनसून में थोड़ा ज्यादा क्लीन करो अपने घर को इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। सो इनसाइड आप डिसइंफेक्टेड जो क्लीनर है वो प्लीज यूज इट व्हेन यू क्लीन द फ्लोर एंड डस्टिंग एवरी डे इज मस्ट। सो एंड आप ये जरा ध्यान में रखिए कि कोई को इंसेक्ट है या नहीं। एंड को जैसे वो स्प्रे आता है कॉकरोच एंड फ्लाइज ये सब के लिए, ये सब चला जाता है। स्प्रे इट इन द नाइट टाइम एंड यू कैन ऑल्सो स्प्रे इट व्हेन योर चाइल्ड इज नॉट इन द होम ही इज गोइंग टू स्कूल। सो दैट टाइम भी आप स्प्रे कर सकते हो। बाहर भी स्प्रे करो और ब्लीचिंग पाउडर लगाओ एंड प्लीज यूज अच्छा वाला फ्लोर क्लीनर एंड आप वॉल का भी डस्टिंग कर लो एंड कहीं पे कुछ भी मतलब इंसेक्ट ना रहे जस्ट प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। फ्लोर में भी छोटा छोटा एंड रह जाता है, प्लीज क्लीन इट एवरी डे। एंड अगर ये सब आप करोगे देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन मॉनसून सीजन। हाँ एक और बात, प्लीज कवर योर फूड्स एवरी टाइम, अदरवाइज आउटसाइड फ्लाइज आर कमिंग इनसाइड एंड दे ब्रिंग सम जर्म्स इन देयर लेग्स। सो अगर खाने के ऊपर बैठेंगे सो इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। सो ये सब चीज ध्यान में रखिए, आप थोड़ा सा टेक केयर कीजिए। एंड मेरे चैनल के जो नाम है इजी डे विद अमिता, ये छोटा छोटा रेगुलर इजी टिप्स आपके साथ मैं शेयर करते रहूंगी। आई विल शेयर होल डे स्मॉल स्मॉल टिप्स। सो डोंट वरी, आप मुझे कमेंट करके बताइए और क्या आप देखना चाहते हैं। सो मुझे लगता है दम आलू हो गया है। यस बॉयल इज कमिंग आउट बबल्स। सो आप देख सकते हैं ये हो गया। यस नाउ माय कैमरा इज ओके। अब इसको मैं बंद कर दूंगी। और इसको मैं
एक बोल में रखूंगी और आई विल शो यू। ओके, अच्छा तो मैंने ये वाला बोल ले लिया है और मैं एक अच्छा वाला स्पून भी ले लेती हूँ इसको थोड़ा ट्रांसफर करने के लिए। एक अच्छा वाला स्पून कहाँ है? यस, ये यहाँ है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा नया वाला स्पून लेती हूँ। एक्चुअली ना आई डोंट अरेंज माय वेसल्स आल्सो, माय यूटेंसिल्स आल्सो, मैक्सिमम यूटेंसिल्स आर इन माय ओल्ड फ्लैट। So when fully shifted over here next month, that time I will bring it. So मैंने आलू दे दिया, टोमेटो, पीस, ग्रीन चिली, सब कुछ दे दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा इसको ड्राई बनाए, बिकॉज ड्राई दम आलू इज बेटर कैरी देन लिक्विड, टिफिन के लिए ड्राई तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैंने इसको थोड़ा ड्राई नहीं बनाया, अभी थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा ठंडा होने के बाद। एंड अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा पानी डालो तो थोड़ा सा भी पानी आप डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, यस, सो इट्स डन। एंड मैं इसको अभी टेस्ट करूंगी थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया दम आलू और ये आप टिफिन के लिए ले जा सकते हो स्कूल में, बच्चे लोग तो बहुत ही खुश होंगे। एंड जस्सी इज लुकिंग, वाओ इज सो कलरफुल ना। सो मैं आलू तो नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा पीस लेके टेस्ट करूंगी एंड इसको यहाँ रखूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू हैव सम पीस फॉर माय दम आलू, जस्ट ऑसम। सिंपलिसिटी इज द बेस्ट वे। सो आज के लिए अमिता को टाटा बाय बाय कीजिए, मैं फिर आऊंगी अच्छा वाला वीडियो लेके। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मैं थोड़ा लंच कर लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में 2 या 2:30 में सानी बाबा इज कम, दैट टाइम आई कांट टेक अ रेस्ट। सो उसको स्टडी में कुछ हेल्प करना है, बिकॉज फ्रॉम फ्राइडे हिज फर्स्ट टर्म एग्जाम इज स्टार्टिंग। सो मैंने इसलिए एक ब्लॉग किया है, आप देख लीजिए, हाउ टू प्रिपेयर ऑनलाइन स्टडी। सो ऑनलाइन वर्कशीट भी कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई लास्ट वीडियो। सो आप वो देख लीजिए। तब तक के लिए बाय, सी यू, लव यू, एंड आई विल कमिंग बैक वेरी सून। टाटा।